दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी में अभी रिक्रूटमेंट निकला हुआ है और 1054 पदों पर नई भर्ती होने वाली है। अब इसका क्या प्रोसीजर होगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एज है, कितनी फीस है इसकी, फॉर्म फीस कितनी है, वो सारी चीजें मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा ये रीजन वाइज पोस्ट यहाँ पर है। वैसे अगर मैं टोटल कहूँ तो 1054 है, जिसमें जनरल 620, ओबीसी 187 और एससी और एसटी ये पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है, पोस्ट का नाम क्या है, देखो इंटेलिजेंस ब्यूरो में तो वैकेंसी निकली है, ये है आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव, इनकी पोस्ट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप रीजन वाइज देखते हैं, जैसे अगरतला, अहमदाबाद, ठीक है, अमृतसर, बेंगलोर, भोपाल, तो इसमें इन्होंने लिखा है कि अनरिजर्व में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। अब जैसे दिल्ली और आईबी हेडक्वार्टर्स है, यहां पर जो वैकेंसी है वो जनरल में है आपकी 114, टोटल है 228, तो सबसे ज्यादा यहां पर है। अब दूसरी चीज, अगर आप अप्लाई करने वाले हैं किसी भी रीजन के लिए, तो उसमें जो ये टेबल ए में जो मिडिल पॉइंट है जिसमें लिखा है लोकल लैंग्वेज, इसमें आपको आना जरूरी है, ठीक है। लोकल लैंग्वेज, जैसे अगर मैं दिल्ली की बात करूं, जो दिल्ली आईबी से भरने वाले हैं, इसमें क्या लिखा है, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, ठीक है। तो इनमें से अगर आपको कोई भी लैंग्वेज आती है तो आप यहां पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ओके। अब यहां पर ध्यान ये रखना है कि जो रीजन है, रीजन में बहुत सारी लैंग्वेज इन्होंने लिख रखी है, ठीक है, तो उसमें से कोई ना कोई एक लैंग्वेज आपकी होगी, ओके। अब जैसे यहां पर हिंदी, पंजाबी, उर्दू, तो ये रीजन वाले लोग दिल्ली में आ जाएंगे। अब अगर मैं डिब्रूगढ़ की बात करूं तो यहां पर काफी कुछ है, ओके। और आप हैदराबाद की बात करूं तो वहां पर तेलुगु है केवल, ओके। अब जैसे ईटानगर, तो वहां पर भी काफी कुछ लैंग्वेज है, तो ये चीज आपको यहां पर देखनी होगी। अब इसका यूज क्या होगा, देखो केवल तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहले तो आप जब फॉर्म भर रहे हो तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये जो मिडिल वाला पॉइंट है ये कंसीडर होगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे कि अगर ये जिस रीजन से भी आप अप्लाई करो उसमें आपको बोलना, लिखना, रीड, राइट एंड स्पीक, ठीक है, मतलब पढ़ना, लिखना और बोलना, ये तीनों पॉइंट यहां पर काउंट होंगे, ठीक है। अगर आपको आते हैं तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज का आप ध्यान रखना। अभी इसकी हम बात करते हैं और जो पोस्ट मैंने आपको बता दी, आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव, इसकी पोस्ट है और ये बेसिकली आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट डेट है वो भी मैं यहां पर डिस्कस एक एक करके कर दे रहा हूं। ये आपको ध्यान रखना है कि जो अप्लाई करने की जो तिथि है वो क्या है, 20 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 20/10/2018 से ये फॉर्म स्टार्ट हो रहा है और लास्ट डेट इसकी होगी 10/11/2018, ठीक है। तो ये मोड है, टाइप ध्यान रख लो कि कब से कब तक आपको फॉर्म भरना है, 20 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक, ठीक है। अब यहां पर पोस्ट का नाम मैंने आपको बता दिया और जो क्लासिफिकेशन है ये ग्रुप सी में आएगा, जनरल सेंट्रल सर्विस, ठीक है, नॉन गेस्टेड, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। पे स्केल है 5200 से 20200, ठीक है, लगभग जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है वो 30-32 के आसपास में इसमें बनता है, ठीक है। और अगर मैं कहूँ इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन में तीन पॉइंट यहां पर मैं बात करूंगा। पहले तो मैट्रिकुलेशन लिखा है 10th क्लास पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है, इसमें से आप अगर 10th पास हैं तब भी चल जाएगा या इसके इक्विवेलेंट हैं तब भी चल जाएगा। फिर लिखा है जिस रीजन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहां पर जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए, टेबल ए में जो मेंशन है वो मैंने अभी आपको बताया। तो यही दो चीजें केवल यहां पर मांगी जा रही है। एज मैं आपको बता दूं 27 वर्ष है, इसमें लिखा है एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 27 ईयर्स। तो जो लोग, जैसे कोई ऐसा पर्सन है जिसकी आयु है 26 साल, ठीक है, 11 महीने, ओके, और लगभग अगर 25 दिन भी हो रही है, ठीक है, तब भी वो इस फॉर्म को भर सकता है। तो ये चीज ध्यान रखना कि ये यहां पर जो है ये पॉइंट है एज वाला, ठीक है। फिर लिखा है अपर एज लिमिट, इसमें रिलैक्सेशन है 5 साल एससी एसटी और 3 साल फॉर ओबीसी कैंडिडेट, तो ये जो एज यूजुअल रहता है आपका। बाकी बहुत सारी चीज आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी, मैं नीचे लिंक आपको दे रहा हूं नोटिफिकेशन का ऑफिशियल, वहां पर जाकर और भी आप कुछ पॉइंट देख लें। अब जैसे एप्लीकेशन मैंने आपको बता दिया 20 से स्टार्ट हो रहा है और 10 नवंबर तक चलेगा, ठीक है, इसी दौरान आपको फी भी पे करनी है, सब सारे काम आपको होना है। एग्जाम की डेट अभी इन्होंने कोई मेंशन नहीं किया कि कब आपका एग्जाम होगा या कब रिजल्ट आएगा, ठीक है। और जो फी है वो जनरल ओबीसी के लिए 50 रुपए है, एससी एसटी जो पीएच है इनके लिए कुछ नहीं और फीमेल कैटेगरी के लिए भी कोई फी नहीं है। आप अपना डेबिट कार्ड के थ्रू, ई चालान, नेट बैंकिंग, इनसे फॉर्म फीस जमा कर सकते हो। अब आ जाओ एग्जामिनेशन किस तरीके का होगा। देखो जो आपका टीयर वन का एक एग्जाम होगा ये जनरल है,
अगर ये एग्जाम आपका हो रहा है, तो जो लोग ये एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद सेकेंड फेज में उनके बाकी के जो एग्जाम्स हैं वो होंगे। तो पहले क्या है कि टीयर वन, इसमें निगेटिव मार्किंग 1/4 होगी, और इसमें लिखा है रिटन एग्जाम ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ एमसीक्यूज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ठीक है, 4 पार्ट होंगे, 100 नंबर का कंबाइंड फॉर्मेट है, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, मतलब 120 मिनट, और सेक्शन क्या होंगे, ए बी सी डी, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन, क्वांट के 20 क्वेश्चन, लोकल एनालिटिकल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन, और जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसके 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गया। अब इसमें ये ध्यान आपको रखना है कि इन्होंने एक मिनिमम कट ऑफ का सीन भी बनाया है कि कौन लोग टीयर टू में जो इसका सेकेंड राउंड होगा उसमें जाएंगे। देखो 100 नंबर का पेपर है, तो इन्होंने कहा है कि इन ऑर्डर टू अचीव द क्वालिटेटिव सेक्शन, ठीक है, एंड रिक्रूट द बेस्ट अवेलेबल टैलेंट, देयर वुड बी कट ऑफ मार्क्स कितनी होगी, 100 में से टीयर वन में अनरिजर्व के लिए 35 मार्क्स, ओबीसी 34, एससी एसटी 33। ठीक है, ऑल एक्स सर्विसमैन वुड बी ट्रीटेड इन देयर ऑन कैटेगरी वाइज, ठीक है, यू आर ओबीसी एससी एसटी, तो ये ध्यान रख लेना। ठीक है, जो एक्स सर्विसमैन है वो भी, जैसे कोई जनरल से भर रहा है तो वो अनरिजर्व में आ जाएगा, ये फंडा है। ओके, अब यहां पर एक चीज मैं बता दूं कि जो आपका हो जाएगा टीयर वन, ठीक है, तो उस परफॉर्मेंस के बाद में टीयर टू आपका होगा, और इसमें कैंडिडेट जाएंगे 10 टाइम्स। ठीक है, जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है, जैसे 1024, ठीक है, इतनी वैकेंसीज है। ओके, तो अब आपको ये ध्यान रखना है, नियर अबाउट है, तो जैसे अगर मैंने मान लिया 1000 वैकेंसीज है इंटू 10, ठीक है, तो लगभग 10,000 लोग, अगर 1000 वैकेंसी है तो 10,000 लोगों को टीयर टू के लिए बुलाया जाएगा। अब टीयर टू में क्या होगा, इसमें लिखा है ट्रांसलेशन ऑफ अ पैसेज ऑफ 500 वर्ड्स फ्रॉम लोकल लैंग्वेज, ठीक है, डायलेक्ट टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। मतलब यहां पर कहा गया है कि जिस रीजन में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें ट्रांसलेशन की बात कही गई है। ठीक है, 500 वर्ड्स का पैसे आपको मिलेगा, ये चीज है यहां पर। ओके, 40 मार्क्स का है, 1 घंटे का टाइम यहां पर होगा, और ये है क्वालिफाइंग मार्क्स, इसके लिए 20 इन्होंने रख दिया है। बी क्या है, स्पोकन एबिलिटी, ठीक है, ये है, और ये है टायर 3 जो एग्जाम होगा उसमें इंटरव्यू और पर्सनालिटी, इसमें भी 10 मार्क्स का ये यहाँ पर इन्होंने रखा है, टाइमिंग इसका कुछ नहीं है। और जो इसमें टीयर 3 में और क्या आ जाता है, इंटरव्यू और पर्सनल टेस्ट जो सब है, पर्सनालिटी टेस्ट वगैरह ये सब चीज़ आते हैं, तो पूरा पेपर इस तरीके का है। ठीक है, कंपटीशन बहुत ही, मतलब एक ब्रिलियंट लेवल का यहाँ पर एग्जाम होता है, ऑब्वियसली होता है। आप इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सर्च करें कि आईबी प्रीवियस ईयर एग्जाम, तो आपको पता चलेगा और आपको ये पेपर मिल जाएगा। ठीक है, ये आईओप वेबसाइट पर अवेलेबल है, और जैसे ही और भी चीज़ आएंगी हम आपको इंटीमेट करेंगे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो अगर आप लोग इसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा प्रिपेयर कर लें, नेट पर गूगल वगैरह कर लें इन टॉपिक के बारे में, और ये सीन है। ओके, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, और अगर जितनी भी मदद होगी वो हम कोशिश करेंगे आपको वीडियोस देने की। वैसे क्वांट है और रीजनिंग है, ये सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और इस चैनल को आगे सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही और नोटिफिकेशंस के लिए, ताकि हम समय समय पर जो भी नए नोटिफिकेशन आते हैं उनसे आपको अवगत कराएं। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत।